मुदिता जब अपनी प्रसन्नता प्रकाष्ठा पर पहुंच जाए, जब खुशी का इजहार हो जाए, उसको कहते हैं मुदिता। आज बापू की कृपा से ऐसा वातावरण बना, ये कृपा है ओम जी महाराज की, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज। माघ महीने का ये आखिरी त्यौहार, इस बार से कह रहे भाई आनंद मान लो, जीवन में ये आनंद बड़े सौभाग्य से मिलता है, कभी कभी मिलता है, पुण्य कमरे जागृत होता मिलता है। तो माँ की कथा चल रही है कि किरण का ब्राह्मण पाप कर्मों के कारण पिशाच बन गया, पिशाच बन के भी भूखा प्यासा है, कहता मेरे कर्म ऐसे हैं, जघन्य पाप किया मैंने, देखा एक पथिक जा रहा है, फिर सर पे गगरी है, राम नाम का उच्चारण कर रहा है, भाव चलते हुए राम नाम का उच्चारण करो भाई, कोई रुकावट नहीं आएगी। राक्षस स्वयं कह रहा है कि जो राम नाम जपने वाले हैं, जो ईश्वर का चिंतन करने वाले हैं, हम भूत पिशाच दाकनी शाकनी बेताल दुष्ट ग्रह उनको कोई तंग नहीं करता, इस बात से आप करो मत। मैं लाचार हूँ, दुखी हूँ, पर फिर भी मुझे शांति है, क्योंकि एक बार घूमते हुए मैं कहीं पहुंचा और वहां पर मैंने क्या देखा, उसे कहने लगा हे प्रेत सारस के वचन क्या से तुमने क्या सुने मुझे कहो। प्रेत कहने लगा इस वन में कोहरा नाम की नदी है, मैं घूमता हुआ उस नदी के किनारे पहुंचा, थकावट थी मुझे, भूख प्यास ने मुझे व्याकुल कर रखा था, मैं दूर बैठ गया। उसी समय लाल मुख का तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर पेड़ से उतर कर आया और एक सारस मार खोया हुआ था। बंदर ने कई पक्षियों को देखकर सोए सारस को पैरों से पकड़ लिया, पक्षी उड़कर भागकर चले गए। सारसी जो थी विलाप करने लगी, भय के मारे सारस ने बंदर को देखा और पूछने लगा भाई एक बात बताओ, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बिना अपराध मुझे क्यों दंड देने की बात कर रहे हो, हम तो सारस हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, अहिंसक हैं हम और किसी को हम देखते भी नहीं हैं, जल की काई खाकर हम अपना पेट भरते हैं और आकाश में उठते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे आपने पंख जकड़ लिए हैं, मैं निरपराधी हूँ, मुझे छोड़ दो और एक बात बताऊँ, मैं तुम्हारे पिछले जन्म को भी जानता हूँ। सारस कह रहा है बंदर से कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म को भी जानता हूँ। जब ये बात बंदर ने सुनी ठिठक गया, छोड़ दिया उसको और कहने लगे तुम मेरे पहले जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो, तुम अज्ञानी पक्षी हो, मैं वन में घूमने वाला बंदर हूँ, फिर तुम्हें ये स्मृति कैसे है। सारस कहने लगा मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ, तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारी कुल का पूज्य पुरोहित था। सारस कहता है कि तुम थे राजा पिछले जन्म में और मैं तुम्हारा पुरोहित था, तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे, सदा राजा यदि धर्मात्मा है पुण्य आत्मा है प्रजा को पुत्र की तरह पालन कर रहा है तो भाई उसका कोष भरा रहेगा, धन धान्य रहेगा, हाथी घोड़े और महान सेना रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी,
और यदि राजा अत्याचारी है, प्रजा को पीड़ा दे रहा है, तो विनाश होगा। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले तप कर तप चुके हो। तुमने प्रजा को पीड़ित किया, लोगों को दुखी किया, अत्याचार किया, उनकी पीड़ा की अग्नि अर्थात जब हम किसी को पीड़ा नहीं देते भाई, पर पीड़ा था नहीं अजमाई, पर थर धर्म नहीं पाई, के रामायण में लिखा ना पार हित थर परोपकार दूसरे गहर करने के साथ धर्म नहीं है, और पर पीड़ा था हमने इसलिए किसी को पीड़ा देना इससे बड़ा और छोटापन नहीं है, इससे बड़ा और कोई जुलम नहीं है, इससे बड़ी की और घृणा की बात नहीं है। तो तुमने राजा होने के नाते अत्याचार किया, धन लोगों से दौलत इकट्ठा किया, लोगों की बात दुआएं दी, उनकी अग्नि पे तुम जले हो, और उसको कर्म के कारण, पाप कर्मों के कारण, प्रजा को दुख देने के कारण तुम पहले कुंभी नाग नरक में पड़े, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पाप करने के कारण, प्रजा पर अत्याचार करने के कारण तुम 3000 वर्ष तक कुंभी नरक में रहे, फिर निकल कर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पाप पीछा छोड़ते नहीं, पुराने संस्कार जन जन्मांतर तक चले जाते हैं भाई। संस्कार को धोना है तो नारायण का सिमरन करो, ईश्वर आराधन करो, गुरु शरण में आओ, गुरु वचनों को मानो, माघ स्नान करो, संसंग करो, तो नरक भोगने के बाद भी जो है निकृष्ट योनि में जाना पड़ता है पाप ऐसे। तुमने ब्राह्मणों के बाग लूटे थे राजा होने के नाते, उनको तहस नहस किया था, उन पाप के कारण दुआ भी बंदर बने हो, बनवासी हो। प्राणी अवश्य मेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको कोई डाल नहीं सकता है। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ, मैं सारस हूँ और मुझे अब भी थोड़ा ज्ञान है। जब ये बात सुनी तो वानर ने कहा, यदि तुम जानते हो मेरी बात तो तुम बक्षी क्यों बने, तुम भी तो सारस बने हो ना, तुम दुर्गति का तुम्हारी का कारण क्या है। अब ब्राह्मण कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे कुल का ब्राह्मण था ना, तो एक बार कुंभ का मेला लगना था, ग्रहण लगना था, तुमने बहुत सा धन और अन्न मुझे दिया कि ये आप लोगों में बांट दो, मैं लालच में आ गया, रोम में आ गया, गुनाह कर बैठा, मैंने अपने कुल गुरु होने का जो है नाजायज फायदा उठाया, मैंने थोड़ा सा अन्न तो बांट दिया, बाकी मैंने पैसे का धन का अन्न का अपहरण कर लिया, अमानत में खयानत की, चोरी की, विश्वासघात किया, इस कारण उस पाप के कारण मुझे क्षुद्र नरक में और फिर रक्त कदम नरक में जाना पड़ा। वो नरक ऐसा भयानक था, बड़े बड़े कीड़े ने उन्हें काटा, मुझे रक्त और पीन चाटना पड़ा, और नाभि नीचे करके अर्थात फिर नीचे था मेरा, मुझे अपना ही पीन चाटना पड़ा, रक्त चाटना पड़ा, ऐसा महान ऊपर पैर किए मैं पीन चाटता हुआ और दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक यात्रा को भोगता रहा। पैसा दूसरे कारण लेना, पाप करना, ये सारे पाप महान मैंने किए और उसके कारण हजारों साल मैंने कुंभी नरक भोगी है, जहाँ उल्टे रट कर दीप चाहनी पड़ी, ऐसा महान नरक का दुख मैंने समझा, जो मैंने बिताया मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर नरक की यात्रा से मुक्त होकर
मुझे ये साल का जन्म पाया मैंने, और दूसरी बार मैंने अपनी बहन के घर से चोरी भी की थी। चोरी के कारण, अपहरण के कारण मैं युवा खेलता रहा, मदरा पान करता रहा, तुष्का संग करता रहा। इन सारे पाप कर्मों के कारण जो है मैं नरक में गया, और ये मेरी इच्छनी है, ये ब्राह्मणी ने मेरा साथ दिया, मुझे कुछ रोका नहीं है, मना नहीं किया, ये जो है संगनी रही मेरी, भागीदार रही। इस वास्ते इसको भी महान यातना सह कर मेरे साथ साथी का जन्म लगा। अब मैंने आपसे कर्म फल कहा कि कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण, दुख के कारण कैसी महान यातना होगी। उसके साथ अगर जीवन में दुख सुख तो सह जाए, लेकिन जो पाप कर्म है ना, वो फल तो भोगना पड़ेगा। फल को मिटाना है यदि तो आज के प्रायश्चित अक्षय होगा, प्रभु चरणों में आकर शीश निभा कर कीर्तन करके, नाम का सिमरन करके, स्वाध्याय करके, दान करके, पुण्य करके क्षमा मांगे प्रभु से। अजामन की कथा में सुने ना, महान बात करता रहे, अंश में भी नारायण का चिंतन हुआ तो पार्षदों द्वारा ले जाया गया। अभी जिंदगी कुछ दिन बाकी हैं, जो स्वास्थ्य बाकी हैं उनका सदुपयोग करना है भाई। पाप से जो है रहित होना है, पाप से दूर होना है, ऐसा ना हो फिर दंड भोगना पड़े, फिर वहाँ हा 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 कार करनी पड़े, चीज कार करनी पड़े, कोई सुनने वाला नहीं है। तो वही कह रहा है कि पापों के कारण तुमने भी और मैंने भी 3,000 वर्ष नर्क होकर फिर अधम योनियों में हम आए, अभी भी उद्धार नहीं हुआ हमारा। अब मैं तुम और ये मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में ठोक के निवास कर, अभी हंस बनना है, उसके पश्चात गौरयोनि में और फिर जाकर दुर्लभ ऋषि, अभी और योनियां भुगतनी हैं, फिर गौ भी बनेगी हम, उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाकर जो है दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव के माया से ये सारा जगत कहने लगे, अभी और योनियां भोगने के बाद हमें ये दुर्लभ मनुष्य देह मिले। सात संगत भाव ये है कि मनुष्य देह कितनी दुर्लभ है, कहाँ तक भोग के जीव इस योनि में आया है। अब आकर भी मनुष्य देह पाकर भी यदि बात किए फिर भाई पता नहीं कहाँ गिरना पड़ेगा। इस बात से महाराज फरमा रहे हैं कि अब अपने आप को संभालो भाई, बुद्धि को विकसित करो, इंद्रिया जीत हो जाओ, मन को नियंत्रण में लाओ, शुभ काम करो ताकि पापों की सलाह ना मिले। लेकिन मनुष्य पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। इस बात से दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, सुख ही सदा बना रहे इसके लिए भाई निरंतर पुण्य कार्य में लोगो। जीव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, संस्कारों के अनुसार बुरे अच्छे कर्मों में फंस कर उसका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्म क्या है? माता पिता की सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, दान पुण्य करना, जैसा शक्ति दान, दुखी को दुख ना देना, किसी को रोगी को दुआ दान जो है, ऐसा सारे जो पुण्य कर्म हैं उसको चाहिए प्राणी को धर्म में लगा रहे। देवता असुर मनुष्य व्यार कीड़े मकौड़े सभी को ये कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता है, तो ये मार्ग कंटक रूपी कहा गया। कांटों की तेज है लेकिन फूलों की तेज जीवन का बनेगी जब प्रभु नाम का आधार होगा, प्रभु नाम का सिमरण होगा। नानक भक्ता सदा विकास, जो भक्त हैं सदा विकसित हैं, उनको आनंद ही आनंद है, वो गुणातीत हैं, इंद्रियातीत हैं, ऐसा अपने आप को बनाना है, प्रयास करना है, मन को भक्ति की ओर लगाना, मन का प्रवाह जो बदलना है ना, मोगा बंद करना है इधर उधर का, और पानी का प्रवाह, मन का प्रवाह प्रभु चरणों में, प्रेमा भक्ति करो भाई, समर्पित हो जाओ, गुरु चरणों में आ जाओ, प्रेमा भक्ति लोड़
ब्रह्म मेला है, उठो भाई जागो, राम का सिमरन करो, ईश्वर चिंतन करो, शुभ कर्म करो। ऐसा करने से जीव जो हैं उस मार्ग से बचते हैं जहाँ पापी जाते हैं। इस कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते, उपाय से तथा बुद्धि से जो है इसका निवारण हो सकता है। उपाय क्या है? राम नाम। बुद्धि को स्थिर रखकर, मन पर नियंत्रण रखकर बुद्धि का, यदि मन जा रहा है इधर उधर तो भाई वापस लाओ, विवेक से काम लो और मन को स्थिर करके भगवत भजन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे, अगर आप भी पाप करते रहे फिर अगर उपनी में जाओगे, आप समझ जाओ। ऐसे विचार कर अनंत पूर्वक और धैर्य धर कर बिछड़ते हुए काल की परीक्षा करो। काल कह रहा है जब हमें पता है कि हमें अभी और योनियां भुगतनी है, अंत में मनुष्य देह मिलेगी, ऐसा विचार कर शांति से रहो, सब्र करो, और दिन का इंतजार करो जब हमें पूर्ण मनुष्य देह मिलेगी, ताकि हम फिर उसमें जाकर इन बातों को याद करके प्राणायाम करते हुए, भगवान का सिमरन करते हुए और पूर्व जन्म के वृत्तांतों को जानते हुए हम फिर कभी पाप ना करें। आनंद पूर्वक रहना सीखो भाई, कल्याण का ये मार्ग है। और राक्षस कह रहा है उनके ऐसे वचन सुनकर मैं भी शांत हो गया कि प्रत्येक मैंने नदी के तट पर बंदर साथ का ये संवाद सुना, मुझको मोद हुआ और मोद शोक का नाश हुआ। भाव भाई, अधम योनियों में पाप करने से गिरना है, अधम योनियों से बचने के लिए, नरक की यात्रा से बचने के लिए धर्म प्रायण होना यह कल्याण का मार्ग है। माँ का मज्जन क्या है? वही बात के साधु की चरण राज लेकर, संतों की चरण ढूंढ कर, संतों के बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का आचरण करें, सदाचारी बने और निरंतर जो है अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करते हुए प्रभु को नतमस्तक होकर प्रार्थना करें। नारायण, जीवन में आपकी ओर आपका आशा लेकर चल रहे हैं, आप कृपा दृष्टि करो, आपकी कृपा दृष्टि से सारे कष्ट निवारण होंगे, जीवन में सुख मिलेगा, लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे, ऐसी प्रार्थना करनी। औखी धाती मेरे नाम संत होए सहाय गुरु, सब संगत मिले अरदास करोगे मनो मन से हरि गुरु, सब संगत मिले अरदास करोगे मनो मन से हरि गुरु। ओ तम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अति विचार रघुवंश मणि करो विषम भव वीर, श्री बलराम जय मेरे प्रभु नाम जय जय करो कल्याण। जी जैसे आपको पहले निवेदन किया, बाल महाराज जी अमृतसर में बड़े बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं माँ की हारी लगवाने के लिए नंदाचौर धाम में आना है, बापू के चरणों में महाराज जी पधार रहे हैं। आप 12:30 बजे नई सराह में चलेंगे, वहाँ बैठकर कीर्तन होगा, माई के दर्शन होंगे, संत दर्शन का लाभ उठाएं और माघ महात्म सफल तभी होगा जब पूर्ण संतों की राह लेकर चरण धूल लगाएंगे। 12 बजे सारे नई सराह में पहुँचना है, पर प्रेम साथ से बापू के चरण प्रणाम करके कीर्तन करना। श्रीमन नारायण।